दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में खराबी का आरोप लगाते हुए बीते दिन शुक्रवार को चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग ईसी को अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि 8 अक्टूबर को गिनती के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरियां 99% चार्ज थी। ये शिकायतें हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद आई है। राज्य में भाजपा 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद बहुमत हासिल करने में सफल रही। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को अप्रत्याशित बताते हुए कुछ सीटों पर ईवीएम में विसंगतियों का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, चुनाव आयोग को 9 अक्टूबर को सौंपे गए मेमोरेंडम को आगे बढ़ाते हुए हमने अब हरियाणा में 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और अस्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा। वहीं आपको बता दें, चुनाव आयोग को सौंपे गए कांग्रेस पार्टी के ज्ञापन में कहा गया है, हम आपसे संलग्न शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि इन निर्वाचन क्षेत्रों की सभी ईवीएम को तुरंत सील कर दिया जाए। यह भी अनुरोध है कि हमारी शिकायतों पर एक विस्तृत जांच शुरू की जाए और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और लिखित रूप में 7 शिकायतें सौंपी। उन्होंने कहा था कि वे अपने कुछ अन्य उम्मीदवारों की ओर से ऐसी और भी शिकायतें विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को दिए ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा है कि हमारे बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के सामने आने वाली समस्याओं में से एक ईवीएम और उनकी बैटरी क्षमता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि इन ईवीएम का इस्तेमाल 5 अक्टूबर को हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पड़े वोटों की गिनती के लिए किया गया था।